जय हिंद दोस्तों, लोक प्रधान न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज लोक प्रधान न्यूज चैनल के स्टूडियो में मौजूद हैं नूरजहां खाला, जो कि एक न्यूज से वायरल हुई है लोक प्रधान न्यूज के जरिए। नूरजहां खाला का दावा है कि वो इलेक्शन में लड़ने की तैयारी में है, तो सबसे पहले हम उनका लोक प्रधान न्यूज चैनल में स्वागत करते हैं। तो नूरजहां खाला, आपकी उम्र क्या है सबसे पहले हमें ये बताएं। 63-64 के दरमियान मेरी उम्र है। अच्छा, तो आपकी तालीम यानी कि शिक्षण कहाँ तक हुआ? मेरी तालीम 13वीं 20 है। अच्छा, आप रहने के लिए कहाँ पर हैं? शास्त्री नगर में हूँ। शास्त्री नगर में आप कितने सालों से रह रही हैं? मैं 1977-78 से शास्त्री नगर में हूँ। शास्त्री नगर में है। अच्छा, तो आपकी तालीम जैसा आपने बताया कि 13वीं तक हुई है, यानी बी ए फर्स्ट ईयर जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं। हाँ। तो पहले से लेकर 7वीं तक आपने तालीम कहाँ पर हासिल की? बारसी उर्दू अंग्रेजी स्कूल। अच्छा, तो आपकी जो फैमिली है वो फैमिली में कितने लोग रहते हैं? अभी फिलहाल हमारी फैमिली में 2 भाऊ, 2 एक बेटा। हाँ। और एक 4 छोटे छोटे पोतरंदा हैं। ओके। मैं और मेरे मिस्टर। ओके। तो राजनीति में उतरने का ख्याल, या फिर जैसा कि आज के दौर में चर्चा चल रही है आपको लेकर के, आप शास्त्री नगर से 2022 का नगर सेवक इलेक्शन लड़ने की उम्मीदवारी रखते हैं। हाँ। तो ये आपको प्रेरणा जिसको हम बोलेंगे, या फिर आपका इरादा कैसे बना? इरादा तो मेरा पहले से ही है, मेरे खून में सामाजिक कर्तृत्व, समाज को बदलने की एक आशा मेरे खून में पहले से ही है। मेरे खून में वही उछली मारती है कि समाज को बदलो, समाज को अच्छा रखो, गरीबों के लिए न्याय मिला कर दो। तो इसके अंदर से मुझे प्रेरणा मिली कि ठीक है, हम सियासत में ही जाएंगे, सियासत से सामाजिक कार्य, और उसी तरह हमें राजकारण और लोगों का फायदे की जो बात है वो सब करने को मिलेंगी, ऐसा समझ कर मैं ये निर्णय ले चुकी हूँ। तो जैसा कि आपने बताया कि लोगों के फायदे के लिए, तो फायदा मतलब किस तरह का फायदा आप लोगों का कराना चाहेंगी? अब फिलहाल तो मैं लोगों के लिए सभी सरकारी योजनाएं जितनी भी हैं उनका मैं पूरी तरह से अपने गरीब लोगों को, झोपड़पट्टी वासियों के, अपने आजू बाजू के शेजारियों को दिलाती हूँ। इतना ही नहीं, मेरे हिंदू बहनें जो मेरे प्रभाग में रहती हैं उन्हीं का भी काम मैं करती हूँ। मैंने कभी किसी जातिवादी की बात नहीं की, मैं उन्हें पहले अपने साथ लेकर पहले मेरी बहनों को बाजू रखती हूँ, उनका काम पहले करती हूँ, इस तरह से मैं उनका काम करती हूँ। आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप कई सालों से समाज सेविका का काम कर रही हैं, तो किस तरह की समाज सेवा आप करती हैं, थोड़ा उस पर रोशनी डालें। मैं एक गरीब औरत जिसका मर्द मरता है। हाँ। उसका दारिद्र्य से में नाम रहता है। हाँ। उसे मैं 20,000 की राशि दिलाती हूँ, कुटुंब अर्थसहाय उसका नाम है। अच्छा। कुटुंब को सुधरने का एक मौका, कुटुंब अर्थसहाय उसका नाम है। उसी तरह उसी गरीब विधवा को मैं उसके बच्चों के साथ एक 1200 रुपये पेंशन बिठाती हूँ। बूढ़े लोग हैं उनको श्रावण बाढ़ का लाभ दिलाती हूँ। अपंग लोगों को मैं अपंग का लाभ दिलाती हूँ। इतना ही नहीं, महानगर पालिका में एक स्कीम निकली है अपंगों के लिए, उसकी भी मैं पूर्तता करती हूँ। इस तरह से जहाँ जहाँ, और बीड़ी कामगार का ग्रेचुटी, बीड़ी कामगार का फंड, बीड़ी कामगार की पेंशन, बीड़ी कामगार को मिलने वाला वेतन, इसके ऊपर भी नज़र डालती हूँ। उनके ऑफिसों को साथ जाती हूँ, उनका नाम नंबर लेती हूँ, वहाँ से काम करती हूँ, फॉर्मेलिटी पूरी करती हूँ और वो लोगों को पैसे दिलाने की कोशिश करती हूँ। तो ये सारे काम आपने सिर्फ शास्त्री नगर प्रभाग को सीमित रखा है, या फिर इसके अलावा कोई और प्रभाग में काम किया है? दूर दूर से लोग आते हैं, घोंगड़े बस्ती, बादशाहपेट, केशव नगर, मौराली चौक इधर, कुर्बान हुसैन नगर, नवी जिंदगी, जहाँ से जिसे जैसा बोलेंगे वैसा लोग आते हैं। ठीक है, ये तो हुई सामाजिक काम की रोशनी, आपकी सियासी कामों पर भी रोशनी डाली। सियासी काम करने के लिए सियासत में जाना जरूरी होता है, और मैं सियासत में एक मेंबर की हैसियत से, एक सदस्य की हैसियत से नहीं हूँ, मैं एक कार्यकर्ता की हैसियत से हूँ। इसलिए ही सियासत में भागीदारी करने के लिए ही मैं वहाँ जाना चाह रही हूँ, वो उसका भी फायदा, उसका भी लाभ ये गरीब लोगों को दिलाने के लिए ही मैं सियासत की पैरी चढ़ रही हूँ, और वो चढ़ाने का काम ये गरीब समाज ही करना चाहिए,
दूसरे कोई नहीं कर सकते। जिस तरह से आप शास्त्री नगर प्रभाग 14 से उम्मीदवारी रखती हैं, प्रभाग 17 17 सॉरी प्रभाग 17 से उम्मीदवारी रखती हैं, तो प्रभाग 17 में काफी इच्छुक हैं, काफी उम्मीदवार हैं जो अलग 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 पार्टियों से अपनी उम्मीदवारी को जाहिर कर चुके हैं, तो आप अपनी उम्मीदवारी कौन सी पार्टी से जाहिर करेंगी? मैं यमान से जाहिर करती हूँ, मजलिस एतहदुल्लाह मुस्लिमीन, ये हमारी पार्टी का नाम है, हमारे लीडर हैं असदुद्दीन, हमारे हैदराबाद के वो हमारे लीडर हैं असदुद्दीन अवैसी, फिर हमारे हैं शोलापुर के लीडर हैं हमारे शाहजी सर। तो आपकी फारूक शाहजी साहब से कुछ बातचीत वगैरह हुई? हाँ हुई है, बातचीत हुई है, भीड़ रहने की वजह से मैं अच्छी तरह से मिल नहीं सकी, इसलिए ये लोग प्रधान न्यूज चैनल ने मेरी मदद की और मेरी बात फारूक शाहजी क्या पूरे सोलापुर में पहुंचा दी है। तो फारूक शाहजी शायद इस बात को ज़रूर सुनेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि वो आपको आपके जज्बात को मद्देनजर रखते हुए, आपके ख्यालात को, आपके काम को मद्देनजर रखते हुए आपको उम्मीदवारी की टिकट बिल्कुल और बेशक दे। तो आपने शास्त्री नगर प्रभाग 17 ही क्यों चुना? मैं वहाँ रहती हूँ, मैं वहाँ की रहवासी हूँ। कितने साल से रहते हैं? 1977-78 से रहती हूँ, मेरी शादी वहाँ हुई, मेरे बच्चे वहाँ हुए। तो 1977-78 से लेकर आज का जो 2021 चल रहा है, ये बीच के जो 30 साल का तकरीबन अरसा है, ये 30-40 साल का, 40 तकरीबन, तो आपका सामाजिक कार्य या फिर आपका नाम कभी सरेआम नहीं हुआ? गरीब का नाम कभी भी सरेआम अमीर लोग नहीं करने देते, गरीबी को एक बहुत बड़ा समाज का शाप है, गरीबी को लोग पसंद नहीं करते। कौन से लोग? जो लोग सियासत में रहना चाहते हैं, जो लोग अपने घर को अच्छी तरह से बनाना चाहते हैं, अपने लिए फ़ायदा करना चाहते हैं, ऐसे लोग जितना हो सके गरीब नेता को कटवाते हैं, मतलब उस पार्श्व भूमि से बाजू करते हैं, उसी तरह मेरा भी वेला है। तो गरीब लोगों को नीचे ही रखा जाता है, आपका कहना ये है। तो अमीर लोग ही सिर्फ सियासत खेल सकते हैं, ऐसा आपका कहना है? हाँ, फिर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे पास अच्छे कपड़े नहीं है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास पोजीशन नहीं है, पोजीशन। तो पोजीशन किस तरह बनाई जाएगी? मैं मेरे काम से पोजीशन बनाऊंगी, मैं चिल्ला चिल्ला कर लोगों के दिलों में दिमागों में बताऊंगी कि एक गरीब क्या कर सकता है जो कि अमीर और शासनदार नहीं कर सकता, ऐसा मैं उसका पूरा ये लूंगी, मैं वो लोगों को लेकर मैं उस तरह से माहौल को बदलने की कोशिश करूं। तो आज आपकी उम्र तकरीबन 63 या 64 साल जैसा कि आपने बताया, हाँ। तो इस उम्र में लोग जो है आराम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप इस उम्र में इलेक्शन लड़ना चाहती हैं? फिर अगर मैं सियासत में नहीं गई तो वहाँ के जो काम है रहे हुए लोगों की जो तकलीफ है वो दूर नहीं होती, हमने देखा इसे लाए कुछ भी नहीं हुआ, उसे लाए कुछ भी नहीं हुआ, उसे लाए कुछ भी नहीं हुआ, हमें जाकर इतना कि लोगों के चप्पल फट गए उनके घरों को फिरते फिरते, लेकिन उन्होंने लोगों को साथ लेकर कोई काम नहीं किया। मैं लोगों को साथ लेकर काम करने वाली और मुझे थकवा और बुखार कभी भी नहीं आता, मुझे शुगर और बीपी जैसी बीमारी से अल्लाह मियां महफूज रखा हुआ है, आइंदा भी इंशाल्लाह महफूज रखेगा। तो आपने बताया कि MIM पार्टी आपको टिकट देने का वादा किए हुए हैं या फिर बातचीत कुछ चल रही है, अगर खुदा ना खास्ता MIM पार्टी ने आपको टिकट देने से मना किया तो आपका इरादा अपक्ष खड़े रहने का रहेगा? बिल्कुल नहीं। आज आपके चैनल के जरिए मैं अहद करती हूँ, बताती हूँ लोगों को, सिर्फ रहूँगी तो MIM में रहूँगी, मेरा कुछ भी होने दो लेकिन तुम्हारे लिए मैं हमेशा करती हूँ। तो जिस तरह शास्त्री नगर में आज काफ़ी सारे इच्छुक उम्मीदवार हैं, तो उन लोगों की रेस में दौड़ते हुए आप ऐसा समझती हैं कि आप अव्वल नंबर आकर इलेक्शन की टिकट हासिल कर सके? मेरा काम है, मेरा सामाजिक काम है, मैं गरीबों के साथ रहती हूँ और गरीबों का ही अच्छा करना, गरीबों का ही सीधा करना, गरीबों को ही फायदा पहुंचाना हमारे लोकतंत्र में भी है, इतना ही नहीं हमारे पक्ष में भी है और हमारे फारूक शाहजी और हमारे अवैसी साहब इनका भी वही मुद्दा है, वही पॉइंट है, वो पॉइंट को मैं फॉलो कर रही हूँ।
बहुत बहुत शुक्रिया। अभी थोड़ा टाइम दो, मेरे गली के, मेरे प्रभा के रिजवान हवलदार, इन्होंने मुझे आपके चैनल तक भेजे। आपके चैनल को आने का सबसे बड़ा मान वो रिजवान हवलदार और सुल्तान इनको है। उसी तरह जितने भी एमआईएम के कार्य करते हैं, जितने भी एमआईएम की महिलाएं हैं, इनका सबका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। इतना ही नहीं, हमारा कुरैशी समाज, नदाब समाज, बकर कसाब समाज, मुस्लिम समाज और मेरे हिंदू भाई जो मेरे आजू बाजू रहते हैं, इन्हीं सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। उनकी ताकत मुझे दे, ऐसी ताकत दे कि शास्त्री नगर को हम नगर बनाएंगे। तो आज तक जो शास्त्री नगर में जो नगर सेवक या फिर नगर सेविका निवड़ कर आए, वो लोगों का पहलू किस तरह काम करने को लेकर? उनका काम उनको, हम उनके काम के अंदर नहीं जा सकते थे। वो नगर सेवक थे, वो हकदार थे, वो मालक थे, फिर हम कैसे जा सकते? कौन करते आपको? कौन किया इसे? उनका रवैया बताता वो ऐसा। हम नगर सेवक बने, हम पैसों करते, हमारे पास पैसे, हमारे पास इतने लाख है, हमारे पास, मेरे पास उतने लाख भी नहीं है, हजार भी नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, काम है, काम। तो वोटर जो है वोट जो पैसे लेकर वोट डालते हैं, आपका कहना ऐसा है? हाँ, वोट लेते हैं, लेकिन ये बार उनको समझाती हूँ मैं कि पैसे की आशा छोड़ो और समाज को सुधारने की आशा के अंदर मेरे मोर्चे में आ जाओ, ऐसा मैं बताती हूँ। तो आप लोक प्रधान के जरिए आपका मैसेज छोड़ दें। हाँ, बोल रही हूँ, तो पैसे नहीं मिलेंगे, काम मिलेगा तुमको, सियासत मिलेंगी, साथ फिरने का मौका मिलेगा, हर चीज तुम्हारे समझाने और समझने और रहने के लिए बनाऊंगी, लेकिन पैसे की आशा मत करो। तुम्हारी गरीबी का आगे आगे किस योजना से फायदा होता है, वो योजना लाकर मैं तुमको शासन की मदद दिलाऊंगी। मेरी मदद की तुमको जरूरत नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, ये बात को तुम ध्यान में रख कर करो। और सबसे ज़्यादा लोक प्रधान, डिपार्टमेंट ऑफ लोक प्रधान, जो लोगों को भरारी देता है, जो जोश और खरोश को एक पंख देता है, वो लोक प्रधान को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे गरीब का आवाज़ समाज में देने के लिए आपने जो मदद की। तो खाला, एक सवाल ऐसा भी है, अब तक आपने कितनी मरतबा इलेक्शन लड़ने की कोशिश की? मैं एक दो तीन दो बार लड़ी, लेकिन फार्म भरती थी, घर में आकर भरती थी, पैसे नहीं रहते थे। फिर आज भी जब अगर इलेक्शन आज देखा जाए, आपके कहने के मुताबिक इलेक्शन लड़ना है तो पैसों की जरूरत बिल्कुल है? बिल्कुल है, है तो फारूक शाह जी जैसे लोग मदद करेंगे, वो लोग बोलने के बाद लोग सुनते हैं। तो फारूक साहब भी पैसों से मदद करेंगे या फिर मतों से मदद करेंगे? मतों से मदद करेंगे, लोगों के दिलों को परिवर्तन करने से मदद करेंगे। और जब फारूक साहब भी मदद करेंगे ये काम करने का, तो हजारों कार्यकर्ता उनके से जुड़े हैं, वो भी मेरी मदद करेंगे। तो इससे पहले जो आपने इलेक्शन लड़ा, उस वक्त पैसों की आपको मदद हुई नहीं, या फिर जो पार्टी से आपने लड़े वो पार्टी ने आपकी मदद नहीं की? ना, पैसों से किसी ने मदद नहीं की, किसी से भी पूछो। और मैं पैसे किसे मांगने गई नहीं, मैं पता नहीं कि पैसों का राजकारण चल रहा है, चलने दो अपन। फिर आज के दौर में आप क्या समझती हैं कि आज जो इलेक्शन होने जा रहा है अगले दो चार महीनों में, वो इलेक्शन में लोग आपको पैसों के नज़र से देखेंगे या फिर आपके काम के, काम को मद्देनजर रखते हुए आपको वोट करेंगे? लोग मुझे पहचाने से, इसके पास पैसे नहीं रहते। हाँ। चल आप इसको कह दो, कई बार बार तैयार होती, चल वो नंबर काटने कई बार बार तैयार होती, चल वहाँ से फायदा दिला बोल कई बार बार तैयार होती। रहने, तीन वोट हैं, तीन वोट इमाम को डालकर एक नगर सेवक को लेंगे आगे, समाज का फायदा करने में उनका भात रहेगा। जो लोग मुझे वोट डालेंगे वो समाज को बनाएंगे, मैं नहीं। जब वोट वो डालेंगे तो मेरे पास ताकत आएंगी, फिर मैं वो काम करूंगी, तो वो वोटों की ताकत का जो सवाब मिलने वाला है वो उनको मिलने वाला है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आज का जो समाज है, आज का समाज इतना उजागर हुआ है कि वो काम को मद्देनजर रखेगा, बल्कि पैसों को हटाकर आपकी मदद करेगा, बिना पैसों के आपका काम करेगा? हाँ, ऐसा आप मानती हैं आपके समाज? मानती और करेंगे इंशाल्लाह, हो जाएगा, अल्लाह चाहा तो हर चीज होती है। उसी तरह ये भी काम अल्लाह अगर चाहेगा तो हम नगर सेवक बन जाएंगे और लोगों के काम करेंगे। तो आज के वक्त में आप इलेक्शन में उम्मीदवारी रखती हैं, तो शास्त्री नगर में जो
बेसिक जो जरूरियात हैं जिसको बोलेंगे, वो जरूरियात क्या क्या हैं आपको कुछ उसका अंदाजा है? अभी भी एक सड़क बहुत खराब है। हाँ। वो सड़क इतनी लंबी है कि पूरे शास्त्री नगर में शो होकर जाती है। ओके। हाँ, वहाँ खड्डे गड्ढे टेकड़े है, इतना ही नहीं, शास्त्री नगर के बोल बोल में भी ये खड्डे गड्ढे चलते हैं, इसके बच्चे बूढ़े पढ़ते हैं। लाइट जो है हमेशा लगाते नहीं, वो कभी बंद कभी चालू, पानी वाला भी 5 दिन को 6 दिन को पानी छोड़ता, लेकिन सरी का 4-5 घंटे पानी छोड़कर नहीं बंद करता, तोड़ तोड़ को आधे घंटे के बाद बंद करता, फिर आधे घंटे के बाद चालू करता, फिर आधे घंटे, इस तरह से वहाँ भी तकलीफ है, इस तरह से ये सब छोटे छोटे। तो ये सारी चीज़ों, जैसा आपने पानी का मसला बताया कि तोड़ तोड़ कर वक्फे वक्फे पर पानी छोड़ा जाता है, तो आपने इसके ताल्लुक से कुछ इंक्वायरी की कि ये ऐसा क्यों होता है? इंक्वायरी की, आम्हाला जसा आदेश येतात तसं आम्ही सोडतो, ऐसा बोल सरकारी कर्मचारियों का कहना। और जिस तरह आपने रोड का बताया, रोड वो साफ सुथरे नहीं है या फिर गड्ढे खड्डे डब्बे देखेंगे तो हंसेंगे तुम। हाँ, तो आपका क्या कहना है, आप अगर इलेक्शन जीत कर आई, जगह जगह रोड, जगह जगह साफ सफाई, जगह जगह ये टूटके पानी को काट कर अच्छा पानी का स्राव, जगह जगह लाइटिंग, लोगों को कहाँ तकलीफ होती है, कहाँ नहीं होती है, किस बात की लोगों को ज़रूरत पड़ती है, कहाँ तक कर सकती हूँ, दिन बसने आए तो रात को करेंगे, रात बसने आए तो दिन को भी करेंगे। जिस तरह नरेंद्र मोदी 24 घंटे में से 20-22 घंटे काम करते हैं, उसी तरह मैं भी करती हूँ। नरेंद्र मोदी ही क्यों करते हैं, वो तो पंतप्रधान है। हाँ। लेकिन मैं भी एक भारत की नागरिक हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। तो आप के बातों से ऐसा लगता है कि शास्त्री नगर वालों ने खाला को अगर चुन के देंगे, हिंदुस्तान का ना हो लेकिन शास्त्री नगर का विकास जरूर होगा। अच्छा, शास्त्री नगर का एक सबसे बड़ा मसला ये भी है कि शास्त्री नगर में जो नाला बहता है, वो नाले के आसपास भी लोगों के घर हैं, तो वो घरों को कुछ तकलीफ है, जैसा पानी गंदा कंटिन्यू बहता है, फिर बारिश के वक्त में पानी ओवरफ्लो होता है, ओवरफ्लो होकर घरों में घुस जाता है, उसमें से मेरे घर में भी घुसता है पानी, आपके खुद के मकान में भी घुसता है, तो उसके लिए आपने क्या उपाय सोचा है? उसके लिए मैं क्या करने वाली हूँ मन में, क्या अंतर्गत जो गटारे हैं, मतलब पाइप, वो पाइप को एक से जोड़ कर उसे निकासी नगर के बाहर ऐसा कुछ तो भी है जहाँ से बात बात चले जाने गंदा पानी, और किसी के घर में नहीं घुसना चाहिए, किसी को मच्छर डेंगू मलेरिया, और फिर कम भर्ती को कोविड भी चालू है, कोरोना शुरू हुआ है साल से, तो इसलिए जितना भी हो सकते, गरीब लोग हैं, उनके पास पैसे नहीं रहते, सिविल को लेकर जाती हूँ मैं लोगों को, सिविल के मजे खाली कोविड के वक्त मुझे रोका गया है दवा खाने से, लेकिन कोई जले कोई कटे, अगर किसी की डिलीवरी है, अगर कोई तकलीफ है, पर जो भी है तो मैं जाकर बिंदास ओपीडी में ठहरती हूँ, कभी कभी मैं 4-4 मुर्दों के बीच भी ठहरी हूँ, वो डॉक्टर भी बोले रहे तो क्या भाई है तो का है वो, तुम्हें 4 ऐसे पेशेंट होते मदे चला वो बकेला ती भीड के, अरे ती भाई भेज भीत नहीं, ठीक है मैं भेजती भीती नहीं, मैं नहीं डरती हूँ। डर और खौफ नाम की चीज़ आप में नहीं है बिल्कुल, सिर्फ अल्लाह से, अल्लाह की जात मुझसे डरना। तो शास्त्री नगर के आज MIM से भी काफी सारे इच्छुक उम्मीदवार हैं। हाँ। लोग सही है। हाँ। हर एक को ठहरने का, हर एक को उसका इच्छुक बनने का हक है। हाँ। वो हक मैं नहीं छीन सकती। ओके। जैसा मैं हूँ वैसा। हाँ? तो मैं उनसे तीर ताजा करती हूँ, बहनों मुझे एक बार। तो जितने भी इच्छुक हैं शास्त्री नगर से, वो सारे पैसे वाले हैं, थोड़ा पैसा बाजू रखो, एक गरीब को चुन कर दो, विकास करने का है, पैसे की मोजनी नहीं करने का है माँ, विकास करने का, विकास विकास के लिए थोड़ा मेरी मदद करो, और वो विकास के तुम भागीदार बन जाओ, हम तुम्हारा नाम लेंगे कि तुम समाज को बदलने के अंदर थे हमारे साथ, ऐसा हम बोलेंगे। 2017 से पहले का अगर हम शास्त्री नगर का इलेक्शन देखेंगे, तो मुस्लिम इलाका रहने की वजह से मुस्लिम उम्मीदवार जीत कर आते थे, तो वो मुस्लिम उम्मीदवारों का शास्त्री नगर में किस तरह का काम रहा, किस तरह से उन्होंने शास्त्री नगर का विकास किया,
2017 से पहले की बात कर रहा हूँ। वो देखो, हम उनको गलत भी नहीं बोलते, हम उनको कुछ भी नहीं बोल सकते, क्यों तुम कुछ ऐसा समझा, सब वो काम करे होंगे, हम ऐसा नहीं बोलेंगे उन्होंने गलत। 2017 में MIM ने 4 सीटें लड़वाई शास्त्री नगर प्रभाग 17 से। वो 4 सीटों में से सिर्फ एक सीट जीत कर आई, नूतन गायकवाड़ मैडम की। बाकी की जो 3 सीटें थी वो बीजेपी की थी। उस वक्त हम ठहरे नहीं थे। हाँ, तो मेरा सवाल ये है कि 2017 में जो नगर सेवक और नगर सेविका जीत कर आए, वो शास्त्री नगर में किस तरह का अपना अपने कामों को अंजाम दिए? डिवाइड, वो उधर आए थे नहीं, उन्होंने बोले तुम्हारी इतनी बड़ी संख्या रहकर, लोक संख्या, तुम्हारा डिवाइडेशन हुआ और तुम हार गए। हमारे लोग एक शरीर का मत हमको डाले, वोट डाले हमको, हम जीत गए। फिर वो डिवाइडेशन 2022 में नहीं होगा आपको उम्मीद है? मैं इसलिए उन लोगों को समझा रही हूँ कि किधर मत जाइए, सिर्फ MIM को डालिए। तो पिछले मर्तबा भी सिर्फ और सिर्फ MIM को ही मतदान किया गया था, जबकि 3 सीटें जो है 2 नंबर पर थी। तो 2 नंबर पर सीटें आने की वजह से लोगों का, शास्त्री नगर के लोगों का काफी हद तक नुकसान हुआ। हाँ, कोशिश करना, जैसे उनको बताती हूँ, तुम्हारे वोट्स डिवाइडेशन होंगे, तुम अगर पैसों पर जाएंगे, अगर कुछ ऐसे वैसे बातों पर जाएंगे, तो तुम ना फिर भी हाउ मच। तो लोक प्रधान का आज तक का जो सर्वे है, वो सर्वे के अंदर काफ़ी सारे इच्छुक उम्मीदवार हैं, चालू नगर सेवक भी हैं जो आज की पोजीशन में रनिंग है। तो जो जब हम पब्लिक से बात करते हैं, तो वो पब्लिक का कहना ऐसा है कि उम्मीदवारी या फिर जिता कर लाने की जो जिम्मेदारी है, सिर्फ और सिर्फ स्थानिक आदमी को वो लोग फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं। फिर मैं स्थानिक छूँ, मैं जब बाहर से आकर रही 1978 से हूँ मैं, इतना कि मेरी शादी, बच्चे, ससुर सब हो गया। फिर अब तक आपको शास्त्री नगर के लोगों ने चुनकर नहीं दिया ना? पार्टी की कमी, पैसों की कमी, परिस्थिति की कमी। पैसों के अलावा पार्टी को कहीं ना कहीं आप दोष देती हैं? नहीं, मतलब मुझे नहीं दिए पार्टी वाले, सिर्फ काम करते जाओ। कौन सी पार्टी से इच्छुक थी? कम्युनिस्ट से। कम्युनिस्ट, उन्होंने कभी मुझे टिकट, कभी मेरी जरूरतों को नहीं समझा। काम के लिए मुझे अच्छी तरह से करते थे, मैं समझती थी अपना इतना चाहिए ठीक है। तो आज MIM से आप उम्मीद रखती हैं कि आपको टिकट दी जाएगी? और आप कुछ तो मरते होगा, तो कुछ तो कर को मरना मेरा। तो लोक प्रधान न्यूज चैनल के जरिए आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं लोगों को मैसेज देती हूँ कि लोक प्रधान न्यूज के जरिए जो हमारा एक ये बनेला है, हमारे हमारे लिए एक पार्श्व भूमि बने लिए, जिसके जरिए मेरे जो बातें हैं आप तक पहुंचती हैं। भाइयों और बहनों, पैसों के बिल्कुल लेवा देवी में मत आओ। जो नगर सेवक 5 साल 10 साल आपको पैसों के बारे में नहीं बोलता, वो आप मिट्टू मिट्टू बोलने लगेगा, पैसे देने लगेगा, नहीं सो कुछ तो भी एक नवा बनाने लगेगा। लेकिन तुम इसे बड़ी पड़ो नको, इसके अंदर तुम मत जाओ। इसके अंदर अगर तुम जाएंगे तो फिर वो लोग जीत जाएंगे और तुम हार जाएंगे। तो जहाँ पर पैसों का लेन देन आएगा, वहाँ पर विकास नहीं होगा, काम नहीं होगा। तो मकानदार खाला का कहना यह है कि हिंदुस्तान में भले ही विकास ना हुआ हो मोदी गवर्नमेंट आने के बावजूद, लेकिन ये दावे के साथ कह रही हैं कि वो शास्त्री नगर का विकास ज़रूर ब ज़रूर करेंगे, अगर उनको 2022 के नगर सेवक इलेक्शन में उनको अगर जीत हासिल हुई तो। तो शास्त्री नगर के लोगों से लोक प्रधान टीम यही कहना चाहेगी कि आप ऐसे लोगों को आगे लेकर आएँ, ऐसे लोगों की मदद करें, ऐसे लोगों को जितवाएं, ऐसे लोगों को मतदान करें, और ऐसे लोगों की सरबराही में, रहबरी में काम करें, और ऐसे लोगों को मौका दे काम करने का, जो कि काम करने की जद्दोजहद रखते हैं, जज्बात रखते हैं। जय हिंद।